नमस्कार दोस्तों, वैसे कैसे हो आप? तो भाई लोगों को स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो भाई लोगों, ये रही अपनी लाल परी, और हाल ही में भाई हमने इसमें लगाई थी एफसेट की विंडशील्ड। तो आप भाई एक बार लुक देख सकते हो इसकी। हमारा जो प्लान है भाई आज का, वो है इसमें स्टिकरिंग करने का। तो आप देख सकते हो भाई इसकी लुक थोड़ी बहुत ख़राब लग रही है, क्योंकि यहाँ पर टिपिंग अलग है और ये ब्लैक कलर की है, तो थोड़ा मिसमैच वाला सिस्टम इसमें हो रहा है। सो दोस्तों, इसमें हम लगाने वाले सेम इसी कलर की भाई टेपिंग, ये मैं पहले ही लेकर आया था। तो चलिए, आज की वीडियो में भाई आपको यही कुछ देखने के लिए मिलेगा, और देखते हैं भाई इसकी ओवरऑल लुक कैसी आती है। फिलहाल के लिए दोस्तों, आप एक बार अच्छे से देख लीजिए इसकी लुक अभी के लिए कैसी है कैसी नहीं, देन उसके बाद देखते हैं भाई क्या होता है। तो चलिए, सबसे पहले भाई इसे ओपन कर लेते हैं, टाइम लैप्स लगा देता हूँ, देन भाई उसके बाद करेंगे स्टिकरिंग वर्क शुरू। सो फाइनली दोस्तों, हमने अपनी जो विंडशील्ड है भाई वो निकाल दी है प्रॉपर, और भाई ये रही अपनी NS की, और ये है एफसेट की विंडशील्ड। तो फिलहाल के लिए भाई हम अपने जो NS वाली विंडशील्ड है भाई, इसमें भी यहाँ से नीचे जो है ना टेपिंग कर लेंगे, और उसके बाद जो अपनी FZ वाली विंडशील्ड है, तो इसमें भाई हम बिल्कुल प्रॉपर कम्प्लीटली इसमें जो है स्टिकरिंग करेंगे। और उसके इसमें जो है हेल्प हमारी करेगा भाई ये ड्रायर, तो हीटिंग का काम जो है भाई वो हम इसी से करने वाले हैं, ताकि भाई अपनी जो टेपिंग अच्छे से लग जाए। तो चलिए भाई करते हैं इस काम को शुरू। सो फाइनली दोस्तों, अपने जो स्टिकरिंग वाला काम है भाई वो हो चुका है डन। दोस्तों इस स्टिकरिंग में भाई सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है कटिंग मेथड का, तो आप देख सकते हो भाई काफ़ी कट वगैरह मार के ये जो स्टिकरिंग है भाई वो हमने की है, क्योंकि कर्व्स वगैरह में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी, और जो हीटिंग वाला मेथड था भाई वो हमने यूज़ ही नहीं किया। तो चलो फिलहाल ये काम हो चुका है डन। अब आ रही भाई इन नट्स, बोल्ट नट्स को भाई ब्लैक कलर करने की। तो एक भाई मैं पहले भूल चुका था, तो अभी ने भाई सबसे पहले कलर करेंगे, देन उसके बाद करेंगे अपने विंडशील्ड की फिटमेंट। तो चलो यार। सो दोस्तों, फिलहाल भाई नट्स वट्स सूख चुके हैं, तो अब बारी है भाई अपने विंडशील्ड को इंस्टॉल करने की। तो चलिए भाई, अब करते हैं इसकी फिटिंग दोबारा से, देन भाई उसके बाद देखते हैं क्या लुक आती है। तो चलो।
फाइनली दोस्तों अपना जो काम है भाई वो हो चुका है ओवरऑल डन। तो भाई ये कुछ लुका रही है फिलहाल आपको भाई कट्स वर्ट्स दिख रहे होंगे तो फिलहाल ऐसे ही दिख लीजिए भाई, कट्स पे ध्यान ही दीजिए। चलो आप करते हैं इसकी फिटिंग, देन देखते भाई क्या लुक आती है। फिलहाल तो इसे हम भाई ऐसे ही फिट कर लेंगे एक बार, ये तो हाथों हाथ ही हो जाएगा ये वाला काम। लो भाई साहब तो फिलहाल भाई ये कुछ लुक आ रही है, देख लो अच्छे से। तो भाई ये देखो अब जाके मुझे बताना भाई ये पहले से बेटर लग रहा है या नहीं। आप अगर चाहते हो तो भाई इसे पूरा ब्लैकआउट कर लेते हैं, सब टिप्स भाई वो निकाल देंगे और इसकी नेचुरल लुक जो है वो रहेगी। इस टेपिंग को अगर रखना है तो भी बता देना, बाकी मेरे हिसाब से तो भाई सही लग रही है। मैं इसमें थोड़ी बहुत और अल्ट्रेशन कर सकता हूँ स्टिकिंग से रिलेटेड, तो मुझे वो भी बता देना अगर आपको वो चाहिए, अगर आप वो देखना चाहते हो। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं यहीं पर एंड। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद जय भारत।